हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों ये देखो, ये लड़का तो डिफरेंट से ही कपड़े पहन कर आया है। हम में से कोई भी इससे बात नहीं करेगा, ना ही हम लोग इसके साथ बैठेंगे। अरे दोस्तों, तुम तो ये चीज़ बहुत गलत कर रहे हो, तुम तो मार्जिनलाइजेशन कर रहे हो। रुको, अभी मन्नू भैया को बुलाता हूँ मैं, वो समझाएंगे तुम्हें इस चीज़ के बारे में। तो अभी जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा, क्लासरूम में इतने सारे बच्चे थे, लेकिन उन सब में से एक बच्चा ऐसा था जिसने थोड़े डिफरेंट क्लोथ्स पहने थे, जो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा था। तो उसको बच्चे क्या कर रहे थे, उससे बात करना पसंद नहीं कर रहे थे, उससे थोड़ा अलग रहने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बच्चा क्या हो गया, मार्जिनलाइज्ड। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे एक बच्चा है, ऐसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग होती है हम लोगों से। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनसे बात करना पसंद नहीं करते, वो क्या हो जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड कहलाती है वो कम्युनिटीज़। मतलब वो हमसे थोड़ा अलग रहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं सोशली मार्जिनलाइज्ड की, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। सोशली मार्जिनलाइज्ड वो लोग होते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते। अब सोशली एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होते, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं, मतलब धर्म वगैरह उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। जो उनके तरीके होते हैं धर्म को फॉलो करने के, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, रीति रिवाज डिफरेंट होते हैं, और वो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इस वजह से उन्हें हम लोग सोशली मार्जिनलाइज मानते हैं। अब समझो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये जो येल्लो में आपको लोग दिख रहे हैं ना, ये लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम रिलीजन है, तो ये लोग बड़ा एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो तीनों लोग आपको दिख रहे हैं ना, इन्हें समझ लो मार्जिनलाइज्ड। क्यों? क्योंकि ये शायद इन येल्लो वाले लोगों से थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं और डिफरेंट धर्म को फॉलो करते हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। इस वजह से इन येल्लो वाले सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि हम इनसे वाइट वाले लोगों से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ये हमसे डिफरेंट है। तो ये जो वाइट वाले लोग हैं, ये क्या कहलाएंगे, मार्जिनलाइज्ड। क्यों? क्योंकि इनसे लोग बात करना पसंद नहीं कर रहे, इन्हें थोड़ा अलग थलग कर दिया है लोगों ने, अलग कर दिया। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक स्टोरी भी दी गई है बुक के अंदर। तो दो लड़कियाँ हैं, एक का नाम है सोमा, एक का नाम है हेलेन, ये बैठकर रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं। अचानक से इन्हें डांस करते हुए लोग दिखते हैं। ये जो डांस कर रहे होते हैं ना लोग, ये होते हैं आदिवासी। तो ये जो गर्ल्स हैं, ये भी एक्चुअली में आदिवासी फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। तो इनके दिमाग में इंटरेस्ट आता है, ये अपने दादाजी से पूछती हैं, दादाजी एक चीज़ बताइए, ये जो टीवी में आदिवासी लोग डांस कर रहे हैं बड़े मज़े से, हमें बताइए और भी क्या कोई आदिवासी इसके बारे में चीज़ है जो हम आप जानते हो, या फिर सिर्फ आदिवासी लोग ऐसे डांस करते रहते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि बेटा आपको नहीं पता, आदिवासी जो है ना, इनका काफ़ी रिच कल्चर है, और है ना बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आदिवासी के बारे में जानने के लिए। तो ये बोलती है, अच्छा अच्छा दादाजी बताइए तो सही क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनके दादाजी बताना शुरू करते हैं। दादाजी बताते हैं कि जब मैं यंग था, मतलब जब मैं जवान था बच्चों, तब मैं ओडिशा के अंदर रहा करता था। ओडिशा बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, वहाँ पर काफ़ी सुंदर लैंड था, काफ़ी सुंदर फॉरेस्ट था। हम लोग फॉरेस्ट के अंदर से जाते थे, लकड़ी काट लेते थे, कभी फ्रूट्स ले लेते थे, कभी वेजिटेबल्स ले लेते थे, और कभी कभी हम लोग आसपास की जो रिवर थी उससे पानी भी ले लिया करते थे। लेकिन उसके बदले हम क्या करते थे, फॉरेस्ट का ध्यान रखा करते थे, रिवर का ध्यान रखा करते थे, उसे साफ कर रखते थे। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखा करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक से कॉन्ट्रैक्टर और कुछ फॉरेस्ट के ऑफिशियल, मतलब फॉरेस्ट के जो अधिकारी थे, वो लोग आ जाते हैं और बोलते हैं
कि ये जो फॉरेस्ट है इसे खाली कर दो, ये फॉरेस्ट अब हमारे कब्जे में है और हम लोग अब इस फॉरेस्ट के मालिक हैं। तो ये दोनों बच्चियाँ पूछती है, अरे दादाजी ऐसा हुआ तो फिर आपने क्या करा? तो ये बताते हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करा। प्रोटेस्ट करने का मतलब आवाज़ उठाई इस चीज़ के खिलाफ कि ये फॉरेस्ट तो हमारा है, आप जो कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल हो आप लोग तो आ जाए हो, तो आप लोगों का कैसे हो सकता है ये फॉरेस्ट। इस चीज़ पर इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहसबाजी होती है। लेकिन जब इनमें लड़ाई होती है तो कुछ लोगों में जब लड़ाई होने के बाद क्या होता है, कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं तो जज साहब से हेल्प मांगते हैं। तो जब ये जज के पास जाते हैं हेल्प लेने के लिए, तब इनके पास लॉयर ही नहीं होता है इनकी हेल्प करने के लिए। तो इस वजह से ये कोर्ट में भी अच्छे से नहीं लड़ पाते अपनी जंग को। तो फिर ये लड़कियाँ पूछती है कि अच्छा दादू फिर क्या होता है? तो ये बताते हैं इनके दादाजी के बहुत सारे जो लोग थे वो लोग अपने घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं आसपास के टाउन्स में काम करने के लिए डर के मारे, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपनी वाले लोग आते हैं इनके घरों के पास और बोलते हैं कि अरे यहाँ पर जहाँ पर आप लोग रह रहे हो यहाँ पर बहुत ही बड़ी आयरन की ओर है और हम लोग इस आयरन की ओर को निकालना चाहते हैं ज़मीन से, आप लोग हमें अपनी ज़मीन दे दो, यानी कि जिस जगह पे आपके घर हैं वो वाली हमें ज़मीन दे दो, उसके बदले हम आपको पैसे दे देंगे और साथ ही में हम आपको जॉब भी दे देंगे, मतलब नौकरी भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। जो विलेज के बहुत सारे लोग होते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है हम तो अपने विलेज की गाँव की ज़मीन दे देंगे लेकिन उसके बदले हमें पैसे और नौकरी मिल तो रही है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अच्छा अगर हम लोग अपने गांव की ज़मीन दे देंगे तो हमारा जो पूरा विलेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो हमारी पूरी ज़िंदगी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। शायद ऐसा हो कि ये जो कंपनी वाले लोग हैं ये हमें कुछ भी ना दे, हमसे हमारी ज़मीन भी ले ले और हमें पैसे भी ना दे ना ही जॉब दे। अच्छा कुछ लोगों से ये बोला जाता है कि यहाँ पर थंबप्रिंट दे दो अपने, मतलब अंगूठा लगा दो। जब लोग अंगूठा लगा रहे होते हैं तो लोगों को ये नहीं पता होता कि जिस जगह पे वो अंगूठे लगा रहे हैं वो जगह क्या है, वो जिस जगह पे अंगूठे लगाए हैं उन्होंने तो उस जगह पे अंगूठा लगाने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी ज़मीन को बेच दिया। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, अभी भी ऐसा होता है कि जो लोग साइन करना नहीं जानते वो लोग अपना थंब प्रिंट दे देते हैं। तो इन लोगों से, आदिवासी लोगों से, वो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे थे, उन्हें पता नहीं था कि ये ज़मीन बेचने के कागज़ हैं, उस पर थंब प्रिंट लगवा लेते हैं कंपनी वाले लोग, ठीक है। और कुछ लोगों को जॉब्स दे देते हैं, ज़्यादा लोगों को जॉब भी नहीं देते। और मोस्ट ऑफ जितने भी लोग थे इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग अपनी जो गांव की ज़मीन है इसे बेचने नहीं वाले। तो लोग वहां से जाते नहीं हैं। जब लोग जाते नहीं हैं तो ये जो कंपनी वाले लोग हैं ना ये कुछ गुंडे वुंडे बुला लेते हैं और जितने भी गाँव के अंदर लोग रह रहे होते हैं अपने घरों में उनकी पिटाई करवाते हैं, जिसकी वजह से लोग डर के मारे, जितने भी आदिवासी लोग होते हैं वो अपने घर को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। जो दादू होते हैं इनके वो ये बताते हैं कि जो भी हमारी ज़मीन थी उसके बदले हमें कॉन्ट्रैक्टर थोड़े बहुत पैसे दे देता है और फिर हम सब लोग डर के मारे वहाँ से अपने गांव को छोड़ के चले जाते हैं और शहर में आकर रहने लगते हैं। जब ये सिटी के अंदर यानी शहर के अंदर आते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ही छोटे से कमरे के अंदर और बहुत ही छोटे से घर के अंदर रहते हैं। ऐसा क्यों, बहुत ही छोटा कमरा और बहुत ही छोटा घर क्यों था? ये छोटा घर और छोटा कमरा इसलिए था क्योंकि इनके पास बहुत ही कम पैसे थे और जो पैसे इनको ज़मीन को बेचने के बदले में मिले थे वो इतने कम थे कि कुछ ही समय उन पैसों से अपना गुजारा कर पाते। कुछ सालों बाद क्या होता है, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं, मतलब कि जो इन बच्चों के फादर हैं, उनको जॉब मिलती है दिल्ली के अंदर। इनकी पूरी फैमिली दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो जाती है। जब ये लोग दिल्ली के अंदर आते हैं तो दोनों जो ये गर्ल्स थीं जिनका नाम है सोमा और हेलेन, ये लोग स्कूल जाना शुरू करती हैं। लेकिन जब ये स्कूल के अंदर पहुंचती हैं तो वहां पर सारे बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं अरे ये लड़कियां तो संथली लैंग्वेज बोल रही हैं, अरे इन लड़कियों ने तो हमसे डिफरेंट कपड़े पहने हैं, ये लड़कियां तो हिंदी भी नहीं जानती इंग्लिश भी नहीं जानती, हम तो इनसे बात नहीं करेंगे। तो इन दोनों को ही, सोमा और हेलेन को, स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि बच्चे इनका मजाक उड़ाते थे बिकॉज दे वर मार्जिनलाइज्ड। आपको लगता है ये चीज़ सही थी या गलत थी, कमेंट सेक्शन में बताना कि सोमा और हेलेन के साथ जो भी होता था वो गलत था या फिर सही था। सोमा और हेलेन फिर बताती हैं कि कुछ सालों बाद जब हम यहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं, यहाँ के तौर तरीके सीख जाते हैं, तब थोड़े से हमारे दोस्त बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों गर्ल्स हैं बोलती हैं कि काश हमारा विलेज डिस्ट्रॉय नहीं होता और हम लोग अपना विलेज अपने दोस्तों को भी दिखा पाए। दादाजी बोलते हैं कि अच्छा बेटा अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम अपना विलेज दिखा पाओ, लेकिन अपने विलेज के बारे में सबको ज़रूर ये सारी बातें बताना जो मैंने तुम्हें बताई हैं। तो यहाँ पर ये लड़की रिप्लाई करती है, बिल्कुल दादाजी मैं इस पर एक स्टोरी भी लिखूंगी और शायद से उस स्टोरी का नाम होगा आदिवासी स्टोरी, और शायद इस
स्टोरी पर मूवी भी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये स्टोरी है ये खत्म होती है। इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि आदिवासी की लाइफ कैसी थी, पहले वो लोग कैसे रहा करते थे। अब बात करते हैं आदिवासी की। हु आर आदिवासी? आदिवासी का मतलब ये होता है रेजिडेंट या फिर कम्युनिटीज जो कि क्लोज एसोसिएशन में होती है विद फॉरेस्ट, मतलब वो लोग जो कि फॉरेस्ट के नज़दीक होते हैं, फॉरेस्ट से मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो लगभग अगर हम लोग आदिवासी की बात करें तो 8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आदिवासी थी। ठीक है, देयर आर अबाउट 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर लगभग 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप हैं और ये किसी भी होमोजीनियस पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं करते। अब होमोजीनियस पॉपुलेशन मतलब जो पॉपुलेशन ज़्यादा अमाउंट में है उसे होमोजीनियस बोलते हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं ये क्या है, मतलब कि काफ़ी छोटी छोटी क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है हमारी कंट्री में, और छोटी छोटी क्वांटिटी में होने के बावजूद भी इनके बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। इंडस्ट्रियल और जो माइनिंग एरियाज हैं इंडिया के अंदर वो ज़्यादातर कहाँ पर लोकेटेड हैं, जहाँ पर आदिवासी एरिया, मतलब वो आदिवासी एरिया मतलब जहाँ पर आदिवासी लोग रहा करते थे वहीं पर ये देखने को मिलता है हमें इंडस्ट्रियल और माइनिंग एरियाज बने हुए हैं इंडिया के अंदर। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और यही ट्राइबल लोग हमें गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा में भी देखने को मिलते हैं। तो आदिवासी हमें सब जगह ही देखने को मिलते हैं। इनका डिफरेंट ही रिलीजन होता है, जैसे शक्ता एक रिलीजन है जिसे ये फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन है उसे भी ये लोग फॉलो करते हैं, वैष्णव, भक्ति, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को भी फॉलो करते हैं अदर देन इस्लाम और हिंदुइज्म, मतलब इस्लाम और हिंदुइज्म थोड़ा कम ही फॉलो करते हैं आदिवासी, कुछ आदिवासी इसे भी फॉलो करते हैं। आदिवासी की खुद ही लैंग्वेज होती है, ठीक है, खुद ही की इन लोगों की लैंग्वेज होती है। जैसे आप लोगों ने जनरली मूवी वगैरह के अंदर देखा होगा जिंगा लालाहू करके आदिवासी बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है, आदिवासी इसकी खुद की थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज होती है ना। जैसे हम अंग्रेजों को देखते हैं इंग्लिश बोलते हुए, तो क्या हम उन्हें देख के करते हैं जिंगा लालाहू कर रहे हैं अंग्रेज? नहीं, वो उनकी खुद की लैंग्वेज है इंग्लिश, हम हिंदी में बात करते हैं। ऐसे ही जैसे संस्कृत एक बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, ऐसे ही आदिवासी की जो खुद की लैंग्वेज है वो भी काफ़ी ओल्ड है। संथली एक इसी तरीके की लैंग्वेज है जो कि लार्ज नंबर ऑफ आदिवासी पीपल बोलते हैं, और इसकी ह्यूज पब्लिकेशन भी है। आदिवासी और स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है? देखो, आदिवासी को जनरली ऐसा माना जाता है कि ये वो लोग हैं जो कि डांस वगैरह करते रहते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, सर पर कुछ ऐसे डिज़ाइन वाली चीज़ें इनके होती हैं, डांस करते रहेंगे ये हर समय, और मतलब ड्रेस भी इनकी बड़ी अजीब सी होती हैं। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि ये जो आदिवासी लोग हैं ये सोसाइटी के अंदर एडवांस नहीं होते, ये जैसे पुराने ज़माने के लोग रहते हैं ना ऐसे रहते हैं। ठीक है, इनको क्या माना जाता है, प्रिमिटिव, मतलब पुराने ज़माने का बैकवर्ड, इनकी मतलब पुराने ज़माने में जैसे लोग रहते हैं, पुराने ज़माने की जो सोच होती है वैसे लोग हैं ये, तो इनको मतलब कि अच्छे नज़रों से नहीं देखा जाता, जो कि एक स्टीरियोटाइप है। अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे बहुत सारे आदिवासी ट्राइब से लोग हैं जिनसे मैं मिला हूं, और वो लोग इंडिया के अंदर IAS, IPS, IRS ऐसी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं। बिल्कुल सही मैं आपको बोल रहा हूँ, और मैं इनसे मिला भी हूँ, और एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये। तो ये जो आदिवासी के लिए स्टीरियोटाइप है ये बिल्कुल गलत है। आदिवासी एक्चुअली में कुछ इंटेलिजेंट भी होते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या माना गया है कि सारे ही आदिवासी, कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है और ऐसी सोच बनाई गई है, ऐसा स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि सारे ही आदिवासी अजीब से कपड़े पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, डांस करते रहते हैं, सर पे पता नहीं क्या पहन के घूमते हैं ये लोग, बड़े पुराने ज़माने के होते हैं। तो ये जो हमारी सोच है इसे हमें बदलना चाहिए। तो स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ये सारी चीज़ें आदिवासी के बारे में मानते हैं, इन्हें मानना हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आदिवासी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्टीरियोटाइप हैव बीन इम्पोज्ड ऑन ग्रुप्स ऑफ पीपल बेस्ड ऑन रेस, सेक्सुअलिटी, नेशनैलिटी और एन ओरिएंटेशन बिटवीन देम। अब बात करते हैं आदिवासी की और डेवलपमेंट की। इंडिया के अंदर अगर हम लोग किसी भी जगह पर जाएं तो वहां पर हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। जैसे अगर आप कहीं पर भी जाओगे और वहां पर आपको वुड की कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो वुड की चीज़ कहां से बन के आ रही होगी, वुड कहां से आ रही होगी, फॉरेस्ट। मेडिसिनल हर्ब्स फॉरेस्ट से आती हैं,
डायमंड हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट सच एज वैक्स एंड हनी ये भी फॉरेस्ट से मिलता है, कोल भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है, मेटल ओर्स भी फॉरेस्ट से मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं। आदिवासी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट के नियर या फिर फॉरेस्ट के अंदर ही, ठीक है, और ये फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, मतलब खाना पीने की चीज़ हो गई या फिर रहने की चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ फॉरेस्ट से ही मिलती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट हमें पॉइंट्स बताए हैं कि जो मार्जिनलाइजेशन है फ्रॉम एन आदिवासी एंड डेवलपमेंट परस्पेक्टिव क्या क्या है। देखो, ह्यूमन लाइफ जो है वो हैविली डिपेंड करती है फॉरेस्ट के ऊपर, तो जो फॉरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें सामान ही नहीं देते, हमारी एयर की क्वालिटी भी अच्छी करते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं एयर के अंदर, वाटर भी हमें फॉरेस्ट की वजह से ही काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलता है। कैसे मिलता है ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मन्नू का ज्ञान है ना, मन्नू का ज्ञान मेन चैनल पे जाओ, साइंस डाला हुआ है मैंने उसमें। 19th सेंचुरी तक जो आदिवासी थे उनके पास अनलिमिटेड एक्सेस था फॉरेस्ट का, वास्ट एरिया जो था ना फॉरेस्ट का, बहुत लंबा चौड़ा, वास्ट का मतलब होता है जो लंबा चौड़ा एरिया था फॉरेस्ट का, वहाँ पर वो जा सकते। ज़्यादातर जो एम्पायर्स थे मतलब जो राजाओं के साम्राज्य थे वो डिपेंड करते थे फॉरेस्ट के ऊपर और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के ऊपर, जो भी चीज़ें फॉरेस्ट के अंदर मिलती है उसके ऊपर। बिफोर कलोनियल टाइम से पहले दे वर नोन एज हंटर गैदरर्स एंड नोमैड्स। फॉरेस्ट के अंदर जो भी ये आदिवासी लोग रहा करते थे या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज थी, इन्हें क्या माना जाता था, हंटर गैदरर्स और नोमैड्स। इसका मतलब क्या होता है, हंटर और गैदरर का मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि शिकार करते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं और एक जगह से, नोमैड्स का मतलब ये होता है वो लोग जिनका कोई भी घर फिक्स नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ऐसा ही होता है एक्चुअली में आदिवासी के साथ, उनका तो घर ही फॉरेस्ट है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ये जो आदिवासी लोग थे ये कैसे रहते थे, बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन इन वन प्लेस, ठीक है, दे लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेटिंग इन वन प्लेस। कुछ लोग ऐसे थे जो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, वहां पर खेती बाड़ी करते रहते थे, जैसे आज इस जगह पर है फिर दूसरी जगह चले गए, फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह चले गए, तो ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते। जबकि कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जो एक ही जगह पर टिक कर अपनी फार्मिंग वगैरह करते थे। फॉर द पास्ट 200 ईयर आदिवासी जो है उनको फोर्स करा गया है, उनको बोला गया है कि भाई अब तुम लोग बदलो तुम अपने आप को। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से कर रहे हैं, बिकॉज आदिवासी कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर। और अब क्या करना है, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको ये सारे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, कब कर पाएंगे इस्तेमाल, जब वहां पर आदिवासी नहीं है। तो उन्हें फोर्स करा जा रहा है थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज, मतलब कानून लाए जा रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट है इसके अंदर आदिवासी इधर नहीं रह सकते, इधर नहीं रह सकते। पॉलिटिकल फोर्स अप्लाई करी जा रही है स्टेट से, मतलब पॉलिटिकली ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि आदिवासी निकलो यहाँ से, मत रहो जंगलों के अंदर, हमें जंगल खाली चाहिए। तो इस वजह से जितने भी आदिवासी हैं उन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा है एज वर्कर्स इन प्लांटेशन, मतलब आदिवासी लोगों को जाकर जंगल के अंदर ये लोग रह रहे थे, इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर काम करना पड़ रहा है। कभी ये किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, कहीं पर डोमेस्टिक वर्कर मतलब घर का काम भी करते हैं लोगों का, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये काम भी इन्हें मजबूरी में करने पड़ते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। माइनॉरिटी और मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं, मार्जिनलाइजेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, माइनॉरिटी की बात करते हैं। जैसे माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कोई भी कम्युनिटी जो कि स्मॉल नंबर के अंदर है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उसे हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं। कोई भी कम्युनिटी जो कि कम नंबर के अंदर है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उसे माइनॉरिटी बोलते हैं। अच्छा, ये जो कम्युनिटी जो कम नंबर के अंदर होगी, इसके पास पावर का इशू होगा, लिमिटेड एक्सेस होंगे रिसोर्सेज के अंदर, सोशल और कल्चरल डायमेंशन के अंदर भी हमें इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो इन सारी कम्युनिटीज़ को जो कि माइनॉरिटी हैं, इन्हें सेफगार्ड प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब इनको बचाकर रखना ज़रूरी है, जिससे कि ये क्या ना हो जाए, ये कल्चरली ओवरवेल्म ना हो जाए बाय मेजॉरिटी। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड हार्म यू मे फेस। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन लोगों को किस चीज़ से भी बचाता है, डिस्क्रिमिनेशन और हार्म से भी। अभी हम समझेंगे देखो कि माइनॉरिटी क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हम लोगों को ये चीज़ गारंटी करी जाती है कि इंडिया के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो प्रमोट होगी।
तो यहाँ पर समझते हैं। देखो हमारा जो इंडिया है ना, बहुत बड़ा देश है सबसे पहली बात, ठीक है। इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो कुछ जो धर्म हैं उन धर्म के लोग काफ़ी कम क्वांटिटी में। अभी हम रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ को देखें तो कुछ धर्म के लोग क्या होंगे, कम होंगे, कुछ धर्म के लोग ज़्यादा होंगे। तो ऐसा होगा जिनका धर्म, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हिंदूज़ को ले लिया और मुस्लिम्स को ले लिया। सर हिंदू मुस्लिम को ही क्यों ले रहे हो? एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और कोई रीज़न नहीं है। मुस्लिम्स क्या ले लिया हमने? मुस्लिम एक ऐसा धर्म ले लिया जो कि कम क्वांटिटी में, और हिंदूज़ क्या ले लिया हमने? जो कि ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेजोरिटी कौन हो गए? हिंदू, और माइनॉरिटी कौन हो गए? मुस्लिम्स। क्यों हो गए माइनॉरिटी मुस्लिम्स? क्योंकि वो कम क्वांटिटी के अंदर हैं, बस यही फ़र्क है और कोई भी फ़र्क नहीं है। तो अब क्या होगा अगर कोई हिंदू है जो अपनी प्रॉब्लम लेके किसी नेता के पास जाता, बोलता है नेताजी हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा, हम सब हिंदुओं को दिक्कत हो रही है, तो वो नेताजी बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करता हूँ, क्योंकि तुम सब जो हिंदू हो तुम लोग मेजोरिटी में हो, और अगर मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी तो शायद तुम लोग नाराज होकर मुझे वोट ना दो। तो नेताजी को उनकी बात माननी पड़ती है। यहीं पर एक माइनॉरिटी का पर्सन पहुंचता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का, यानी कि एक मुस्लिम पर्सन पहुंच जाता है एग्जाम्पल के लिए, माइनॉरिटी में हमने मुस्लिम्स को लिया एग्जाम्पल के लिए, पहुंच जाता है नेताजी के पास, बोलता है नेताजी पानी नहीं आ रहा। अब नेताजी सोचते हैं कि अरे मुस्लिम्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या फ़ायदा मुझे, इनकी तो क्वांटिटी भी कम है, वोट भी इनके कम मिलेंगे, तो क्या फ़ायदा इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके, करता ही नहीं, इनकी बात सुनता ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री के अंदर आ सकती थी, लेकिन ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब जो हमारे इंडिया का संविधान। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेटा तुम लोग महान हो अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो भी हमारी कंट्री किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से वर्क करेगी, ये सारे रूल्स एक बुक के अंदर लिखे होते हैं, उसी बुक को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रॉब्लम को पहले ही सोच लिया गया था और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया गया। ये सॉल्यूशन निकाला गया कि मतलब कि जो मेजोरिटी है और माइनॉरिटी है इनका भी ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी वाले लोगों की बात ना सुनी जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया गया, मतलब माइनॉरिटी वाले लोगों को भी और मेजोरिटी वाले लोगों को भी इक्वली ट्रीट करा जाए। मुस्लिम्स और मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 13% ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कि मार्जिनलाइज्ड है, मतलब कि बहुत ही हमें देखने को मिलता है कि 13% मुस्लिम्स क्या है, मार्जिनलाइज्ड। ओवर द ईयर्स दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट। अच्छा अगर ये मार्जिनलाइज्ड हैं तो इनको क्या क्या नुकसान हुए हैं? उनको ये नुकसान हुए हैं कि उनको एक तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी नहीं हो पाई है, बेसिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट उन्हें देती है वो नहीं मिल पाई है, पढ़ लिख नहीं पाए हैं, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जॉब भी इन्हें नहीं मिल पाई है। अच्छा सोशली मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है, हमने अभी देखा था, अभी हम सोशली मार्जिनलाइज को समझ रहे हैं। ये यहाँ पर इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं, इनकी ड्रेसेस देखो सबकी लगभग सेम है, लैंग्वेज भी सेम बोलते हैं। अब यहीं पे ये मुस्लिम बच्चा आ गया, ये मुस्लिम बच्चा क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट ड्रेस पहना है, सर पे कैप लगाया है, इस वजह से इसको अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जो मुस्लिम कस्टम है और प्रैक्टिसेस हैं सच एज वियरिंग बुरका और फेस tend to be identified differently from other Muslims because they distinguish them from the other Muslims. तो यहाँ पर देखो वो वाले मुस्लिम लोग जो कि इस तरीके की ड्रेस, कुछ लोग जो बुरका भी पहनते हैं पूरा अपने हेड वगैरह को कवर कर लेते हैं, उनकी हेल्प से लोगों को पता चल जाता है कि अरे ये तो मुस्लिम है, इसको डिफरेंटली ट्रीट करूँ, हम तो इससे बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके की लोगों के अंदर सोच आ जाती है जो कि काफ़ी गलत है। आप देख सकते हो रिलीजियस कम्युनिटी को, तो यहाँ पर जो हिंदूज़ हैं 65.4 हिंदूज के पास क्या है, पक्के हाउस हैं। मुस्लिम्स के अंदर 63.8, क्रिश्चियंस के अंदर 69.3, सिख्स के अंदर 91.3। तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो पक्के घर हैं वो किसके पास है? सिख्स के पास। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हिंदूज के पास 75.2 है, ठीक है परसेंट नहीं, 67.5 मुस्लिम्स के पास है, 86.2 क्रिश्चियंस के पास, सिख्स के पास 96.0। 43.7% टैप वाटर हिंदूज को मिल पाता है, 35.8 सिर्फ मुस्लिम्स को मिल पाता है, 48 क्रिश्चियंस को, और सिक्स की बात करें तो 49.3, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट, मतलब पढ़ाई लिखाई की अगर हम लोग बात करें तो 63% हिंदूज क्या है,
हमें लिटरेसी रेट देखने को मिलती है हिंदूज के अंदर, मुस्लिम्स 57, क्रिश्चियन 74, सिक्स क्या है 67, बुद्धिस्ट 71 और जैन्स 86। अगर हम लोग यही जॉब्स की बात करें इंडिया में जो सबसे रिस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है यानी कि IAS ऑफिसर की, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स परसेंटेज, तो लगभग हमें क्या देखने को मिलता है कि ओनली क्या है पूरी पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर मुस्लिम्स की जो कि इन जॉब्स के अंदर देखने को मिलती है, दैट इज़ ओनली 13.5। और यहाँ पर 3 जो है वो IAS देखने को मिलते हैं, फिर IPS, फिर IFS, फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब PSU के अंदर, स्टेट PSU के अंदर, बैंक और RBI के अंदर 2.2%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इन चार्ट्स को देख के ये समझ सकते हो कि कितने कम मुस्लिम लोग IAS IPS और IFS हैं। ठीक है, अब ये जो जॉब्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब हैं, मतलब कि टॉप लेवल की जॉब है इंडिया के अंदर, बहुत पावरफुल जॉब्स हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ से हमें समझ में आता है कि जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करने की वजह से कितना ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है। जब लोग ये देख लेते हैं कि इन्होंने टोपी लगाई है या कुछ लोगों ने बुरका पहना है तो उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करा जाता है, जिसकी वजह से उनको अच्छे से डेवलपमेंट वो लोग अपनी नहीं कर पा रहे और उन लोगों की लिटरेसी रेट नहीं इंक्रीज़ हो पा रही है और वो लोग अच्छी जगह जॉब नहीं कर पा रहे। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, हम लोग बात करते हैं मुस्लिम्स के बारे में। कुछ ऐसे केसेस हुए जहां पर मुस्लिम्स रहते थे, जैसे मुस्लिम्स कुछ हिंदुओं के साथ रहते थे, तो क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम देखने को मिली कुछ जगहों पर, सारी जगहों पर नहीं, सारी जगहों पे तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ जगहों पे ये प्रॉब्लम देखने को मिली कि कुछ जो हिंदू वगैरह थे, क्रिश्चियन वगैरह थे, जो और धर्म के लोग थे, उन्होंने बोला अरे ये मुस्लिम है ये तो बुर्का पहनते हैं, ये तो टोपी लगाते हैं, अरे इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो कुछ मुस्लिम्स को बुरा लगने लगा, उन्होंने बोला अरे यार हमारा तो ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा है तो हम लोग यहाँ से चले जाएं। और वहाँ से जाकर वो कहाँ पर रहने लगे, गेटोइजेशन के अंदर रहने लगे। व्हाट इज़ गेटोइजेशन? इसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये मुस्लिम्स लोग को बुरा लगने लगा तो ये कहाँ रहने लगे, कैसे रहने लगे, गेटोइजेशन के अंदर। सर ये किसी जगह का नाम है क्या? नहीं, ये किसी जगह का नाम नहीं है, ये लोग ऐसी जगह पे जाकर रहने लगे जहाँ पर और मुस्लिम्स रहा करते। तो क्या हुआ, बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने एक कोई जगह डिसाइड कर ली, वहाँ पर वो लोग मिलकर रहने लगे। तो अगर किसी भी मुस्लिम को कोई भी प्रॉब्लम होती थी कि भाई ये जगह तो अच्छी नहीं है या फिर उनको मतलब बुरा लग रहा है कि आसपास के लोग उन्हें चिढ़ा रहे हैं, तो वो कहाँ चले जाते थे, ऐसी जगह पे जहाँ पर और मुस्लिम्स रहते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं गेटोइजेशन। ठीक है, गेटोइजेशन का मतलब क्या होता है, गेटो एक ऐसा एरिया होता है या फिर प्लेस होता है जहाँ पर प्राइमरीली वही लोग रहते हैं जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पर मुस्लिम्स की बात हो रही थी तो सिर्फ मुस्लिम ही एक जगह पर रहें तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, गेटोइजेशन, सिर्फ मुस्लिम ही देखने को मिल रहे हैं। दिस कैन बी फॉर वेरियस सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक रीजन्स। अब इसका सिर्फ रीजन नहीं है, सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक रीजन भी हो सकता है। जैसे गरीब लोगों को आपने जनरली देखा होगा कि वो लोग, जो गरीब लोग हैं वो जनरली एक जगह एक साथ रहते हैं, उनका जो एरिया होता है वो थोड़ा डिफरेंट सा होता है और जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं वो एरिया डिफरेंट होता है। तो ये भी एक गेटवाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कल्चर, कुछ लोग जो कि डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं वो भी अलग अलग होके ऐसे रहते हैं, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन चैप्टर के साथ साथ ख़त्म होने के साथ साथ आपका एक होमवर्क है कि आपको डिस्क्राइब करना है व्हाट मार्जिनलाइजेशन के बारे में 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस के अंदर कमेंट सेक्शन, बिलो 2 नहीं होनी चाहिए सेंटेंसेस। और इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर के नोट्स साथ ही में सैम्पल पेपर क्या होता है, देखो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको सैम्पल पेपर के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि वो तो बुक के पीछे भी होते हैं क्वेश्चन। आपको एक चीज़ तो पता ही है कि अब आप 8th क्लास के अंदर हो, और 8th क्लास के अंदर जब आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो, 8th क्लास में, बड़ी क्लास ही है ये, इस बड़ी क्लास के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो बुक के पीछे से नहीं मिलते, चैप्टर के बीच में से मिलते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में दिए, चैप्टर के बीच से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सैंपल पेपर के अंदर कवर हैं। तो अगर आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो एग्जाम में फुल मार्क्स आना मेरी गारंटी है, फुल मार्क्स जरूर आएंगे, साथ ही में आपको शाउट आउट भी मिलेगा। तो ये तीन चीजें आपको मिलेंगी अगर आप मेंबर बनते हो, तो फटाफट आप मेंबर बनो,
सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन में क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करो और मेंबर जरूर बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मनुष्य ज्ञान लेते रहें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।